अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे YouTube चैनल हकीम जी रहमानी पर। उम्मीद करता हूँ सभी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में नायाब, ज़बरदस्त और आसान नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत खास होने जा रहा है जिन्हें शीघ्र पतन की समस्या है, जिसे प्री मेच्योर डायफंक्शन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग जिनकी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, अहलिया के पास जाते ही फारिग हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, करना क्या है आपने इसमें? सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी ताज़ा और नई वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन बावक्त मिलते रहेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, कोई भी चीज़, कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल करते हैं, पहले किसी मुस्तनद हकीम से अपने मिजाज का ज़रूर चेकअप कराएं, क्योंकि हर किसी का मिजाज अलग होता है, हर नुस्खे का मिजाज अलग होता है। आइए चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में आपने केवल चार चीज़ें लेनी है। बहुत ही आसान नुस्खा है जो बआसानी आपको मिल जाएंगी पंसारी की दुकान से। ध्यान से सुने। नंबर एक, संग जराहत 20 ग्राम। नंबर दो, बिलोचन 20 ग्राम। नंबर तीन, दाल मखाना 20 ग्राम। नंबर चार, मोच रस 20 ग्राम। इन चारों चीज़ों को कूट पीसकर बारीक सफूफ तैयार कर लें। बारीक पाउडर बनाने के बाद आपने इसमें शहद मिलाना है। शहद इतना मिलाना है कि इसकी गोलियां तैयार हो जाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने चने के दाने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाकर धूप में रख के थोड़ी सी सुखा दें, जो गोलियां प्रॉपर तैयार हो जाएं। अब इस्तेमाल करने का तरीका सुन लीजिए। जिन्हें हाथों हाथ टाइमिंग चाहिए वो हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 गोली खा सकते हैं, और जिन्हें परमानेंट टाइमिंग चाहिए, शीघ्र पतन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, वो 40 दिन तक लगातार 1 गोली रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध के साथ लें। इंशाल्लाह आपकी ताकत और कुव्वत में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा, साथ ही साथ आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, तनाव और शक्ति में इजाफा होगा। दोस्तों, आप अक्सर कहते हैं कि हकीम जी, कोई ऐसा नुस्खा बता दो जिससे हमारी टाइमिंग परमानेंट बढ़ जाए। तो आज का नुस्खा ये परमानेंट टाइमिंग के लिए ही है। आप 40 दिन इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग, आपकी शक्ति, आपका तनाव भरपूर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप घर बना सकते हैं तो इसे बआसानी बना लें, और अगर नहीं बना सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है आपको, आप मुझसे फ़ोन पे मंगा भी सकते हैं। मैं और भी, इसके अलावा आपका कोई भी हेल्थ इश्यू है आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।